मशहूर भारतीय चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का आज जन्मदिन है। हुसैन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया और चित्रकला में वो मुकाम हासिल किया कि देश में आज भी चित्रकला के लिए हुसैन का नाम सर्वोपरि है। एक चित्रकार का सबसे बड़ा सपना होता है कि वो मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की तरह अपना नाम कमाए और उनकी तरह जादुई चित्र बनाकर देश दुनिया में अमर हो जाए। भारत के पिकासो नाम से मशहूर एमएफ हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 को महाराष्ट्र के पंढरपुर में हुआ था। जब वे 2 साल के थे तभी उनकी मां का निधन हो गया। मां की मृत्यु ने उनके जीवन को संघर्षों भरा बना दिया। संघर्षों के दौर में गुजरते हुए वो महाराष्ट्र छोड़कर इंदौर में शिफ्ट हो गए। इंदौर में मकबूल फिदा हुसैन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर आगे की पढ़ाई के लिए मुंबई आ गए। 1935 में उन्होंने जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। फिल्मों में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स बनाकर हुसैन ने चित्रकारी की दुनिया में कदम रखा। 1940 के बाद से उनके काम को मान्यता और प्रसिद्धि मिलनी शुरू हुई। 1947 में उन्होंने प्रोगेटिव आर्ट ग्रुप में सदस्यता ले ली। 1952 में पहली बार उनके चित्रों की एकल प्रदर्शनी ज्यूरिख में लगी। इसके कुछ ही सालों बाद विदेशों में उनकी मांग बढ़ती चली गई। अगर शैली और लीक से हटकर अलग अलग विषयों पर चित्र बनाने वाले एमएफ हुसैन ने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और उनका सितारा देश के साथ विदेश में भी जगमगाने लगा। 1955 में उन्हें कला के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। 1967 में उन्होंने पहली फिल्म बनाई द आईस ऑफ अ पेंटर। इसे बर्लिन के फिल्म महोत्सव में गोल्डन बियर का अवार्ड भी मिला। 1973 में उन्हें पद्म भूषण और 1991 में पद्म विभूषण के पुरस्कार से नवाजा गया। 1986 में कला के क्षेत्र में अति विशिष्ट कार्य करने के लिए उन्हें राज्यसभा में भी नामांकित किया गया था। एमएफ हुसैन ने चित्रकारी के साथ फिल्मों में भी अपना हाथ आजमाया। माधुरी दीक्षित की खूबसूरती से प्रेरित होकर उन्होंने गजगामिनी बनाई तो तब्बू के सौंदर्य से मुग्ध होकर मीनाक्षी बनाई जो बेहद सफल फिल्में रही। विवादों के चलते साल 2006 से वो देश के बाहर ही रहने लगे और साल 2010 में कतर ने उन्हें अपने देश की नागरिकता प्रदान कर दी। लंबी बीमारी के चलते 9 जून 2011 को लंदन के रॉयल ब्रॉम्पटन अस्पताल में उनका निधन हो गया था। तमाम विवादों के बाद भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो एमएफ हुसैन को भारत रत्न योग्य मानते थे। चित्रकारी में देश की पहचान बनकर एमएफ हुसैन ने दुनिया भर में नाम कमाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।